नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्रा। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम आज का उपाय। आज के उपाय में हम आपको बताएंगे कि भगवान गणेश का आशीर्वाद आप कैसे प्राप्त करें। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या बुध अस्त है, जो भी प्लेनेट सन के ज़्यादा करीब आ जाता है, सूर्य के पास आ जाता है, तो वो अस्त हो जाता है। तो यदि आपकी कुंडली में बुध अस्त है, या आपने किसी को कुंडली दिखाई है, उन्होंने कहा कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है अपने बुध प्लेनेट को थोड़ा सा एनर्जी देने को, भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करने का। क्योंकि भगवान गणेश का कनेक्शन सीधे बुध ग्रह से है, ये सीधे बुद्धि के देवता है, आपकी बुद्धि को बढ़ाने वाले हैं। तो ये जो गणेश चतुर्थी आ रही है, जो गणेश जी का उत्सव शुरू होगा 2 तारीख से और चलेगा अनंत चतुर्दशी तक, तो आप इस दौरान क्या उपाय करें जिससे कि आपको भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त हो और प्लेनेट जो मरकरी है, बुध ग्रह है, यदि वो आपकी कुंडली में कमज़ोर है तो उसकी उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिल जाए। बहुत सरल उपाय आपको बताते हैं क्या कर लीजिए आप, कि जो 2 तारीख को गणेश चतुर्थी है उस दिन ये उपाय आजमाइए। क्या करें आप, कि किसी पार्क में चले जाएं, या आजकल जो है जो फूल बेचते हैं उनके पास भी मिल जाएगा, दूब ले लीजिए और उसकी 21 छोटी छोटी गट्ठियाँ बना लीजिए। कुछ दूब इकट्ठा करिए, उसको धागे से बांधिए, कुछ दूब इकट्ठा करिए, उसको धागे से बांधिए और 21 गट्ठियाँ बना लीजिए और इस तरीके से उनको फिर धागे से पिरो करके एक दूब की माला बनाइए। और जब आप ये माला बना रहे, देखिए ये माला खुद बनानी है, बहुत सारे लोग रेडीमेड मिल जाता है उनके पास, माली के पास, वहाँ से उठा लाते हैं, वैसा नहीं करना है आपको, ये खुद बनाना है। और जब आप ये बना रहे हों उस दौरान जो बुध का मंत्र है, बीज मंत्र है, उसका जाप करना है। मंत्र क्या है आप ध्यान से सुन लीजिए और उस मंत्र का जाप करते जाइए। मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। इस मंत्र का जो है आप जाप करते जाइए और वो गट्ठी बनाते जाइए और इस तरह 21 गट्ठियाँ बनानी है दूब की। और जब माला तैयार हो जाए तो स्नान ध्यान करिए और भगवान गणेश को वो दूब की माला और एक हरे रंग की रुमाल या हरे रंग का कपड़ा ले लीजिए, उसमें रख करके उसको लेकर के जाइए और भगवान गणेश के मंदिर में अर्पित करिए। ये उपाय आप करेंगे तो इससे भगवान गणेश का आपको आशीर्वाद मिलेगा। और जो प्रार्थना आप करना चाहते हैं कि भगवान आपको अच्छी जॉब दिलाए, या आप यदि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो उसके लिए जो प्रेयर करना चाहते हैं कि भगवान आपको अच्छी बुद्धि दे, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिले, तो वो प्रार्थना करिए आप गणेश चतुर्थी के दिन, तो भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो ये उपाय बहुत सारे लोगों ने आजमाया है, उनको लाभ हुआ है, तो आपको भी हो सकता है। यदि आपके कोई सवाल हो तो आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, वहाँ से उठाएंगे और आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। या किसी विषय पर आप कोई उपाय जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखते रहिए एस्ट्रो तक, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।